जबलपुर के विजयनगर स्थित महर्षि विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं से फीस के नाम पर मोटी रकम लेकर धड़ल्ले से नकल करवाई जाती है। बताया गया है कि यह एडमिशन लेने वाले छात्राओं को पहले ही बता दिया जाता है कि वो गारंटेड पास होंगे, क्योंकि परीक्षा के समय उन्हें खुली नकल करने दी जाएगी। इस मामले की सच्चाई जानने जब हमारी टीम पहुंची तो शिक्षा तंत्र नियम कानून की धज्जियां उड़ते दिखा। छात्र छात्राएं खुलकर नकल कर रहे थे। इस संबंध में जब डायरेक्टर नमिता पाठक और रजिस्ट्रार अरविंद सिंह से चर्चा करने का प्रयास किया तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया और पत्रकार को फंसाने की धमकी देने लगे और बाउंसरों को बुला लिया। बेहद दुर्भाग्य की बात है कि एक और तो देश के युवा को स्वर्णिम भविष्य कहा जाता है, अब ऐसी शिक्षा प्रणाली कैसे भविष्य को जन्म दे रही है, ये दृष्टिगत और चिंतनीय है। इस संबंध में कलेक्टर से चर्चा की गई तो उनका कहना है कि ये उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। सिटी इन भारत से ब्यूरो रिपोर्ट जबलपुर। महर्षि यूनिवर्सिटी में जो नकल का मामला आया उसके बारे में आप क्या बोलने चाहेंगे? इस बारे में तो अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है, आप लोगों के द्वारा ही ये जानकारी प्राप्त हो रही है और ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस संदर्भ में हम जानकारी लेंगे और कार्रवाई करेंगे। इस मामले में स्कूल में यूनिवर्सिटी में जो बाउंसर लगाए गए हैं अंदर पत्रकार को नहीं जाने दिया जा रहा है, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, परीक्षा नियमों के अनुसार तो भाई मैंने उन लोगों को आप लोगों से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि मीडिया तो एक आधार स्तंभ है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैडम, अगर जांच सही पाई जाती तो इस पर कोई कार्रवाई? नहीं, नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।